Our friends, welcome back to my channel. This is Indrasis. I hope you all are doing absolutely great. ये load shedding हो गया, अभी मैं video start किया, अभी load shedding हो गया. तो चलिए कोई बात नहीं है, चलिए video को आगे बढ़ाते हैं. और yes, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज एक मैंने नया helmet लिया है. Thumbnail देख के तो आप लोगों को मालूम ही चल चुका है कि कौन सा helmet मैं लिया हूँ. तो चलिए झट से उसको unbox करते हैं. और यस, उसके पहले एक बार मैं अपना बाइक थोड़ा कूल स्टार्ट कर लेता हूँ. बहुत दिन हो गया वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जल्दी से मैं अभी कूल स्टार्ट करके आता हूँ. चलिए एक बार देख ही लेते हैं कैसे कूल स्टार्ट करके रखता हूँ मैं. यार मेरा बाइक तो बहुत ही डस्टी होके रहा है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. एंड देखिए इसका कंडीशन, देखिए कैसा हो गया है. चलिए जब सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ. तो अभी मैं अपना बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये इको स्टार्ट हो रहा है. अभी क्या है, बहुत दिनों से हो गया मेरा बाइक खड़ा है तो स्टार्ट नहीं हो पाया था. तो मैं इसको एक राइड पे जाऊँगा, उसके पहले एक बार इसको स्टार्ट कर लिया. एंड यस, एवरीथिंग इज फाइन. अभी ये एक चीज़ बोलना पड़ेगा कि पल्सर RS 200 का मतलब इग्निशन बहुत ही अच्छा है. मुझे एक बार भी अभी तक किसी भी जगह पे ये धोखा नहीं दिया है. एक ही ट्रायल में मेरा स्टार्ट हो जाता है हर एक जगह पे, वो कहीं पर भी हो. वो ऐसा कि सिक्किम का उतना मतलब कोल्डेस्ट जगह है गुरुदोंग मार्ग, वहाँ पर भी जाकर मैं अपना इग्निशन बंद कर दिया था, फिर भी मुझे कोई दिक्कत आया ही नहीं. तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा थम्स अप. अभी वो सब हो गया. मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और ये है मेरा पैकेज. पीछे का हेलमेट मेरा एक्सोर का है और वो लगभग आपका 4,500 के या 4,500-5,000 के आसपास उसका कॉस्ट है. अगर उसका अनबॉक्सिंग आप लोग नहीं देखे, उसका डिटेल रिव्यू आप लोग नहीं देखे, तो ऊपर आई बटन में लिंक आएगा यहाँ पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए अभी शुरू करते हैं. ये स्टील बर्ड का हेलमेट है एंड यस, ये बहुत ही खूबसूरत है हेलमेट. अभी इसको मैं जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ. और अनबॉक्सिंग के लिए मेरे पास, तो सबसे पहले मुझे इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा. एंड यस, मुझे अनबॉक्स करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है. एंड यस, ये चला. अभी मैं देख लेता हूँ इसको कैसे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है. अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अलग से दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. एंड यस, ये एक वाइजर है, ये डार्क वाइजर है. दिस इज द डार्क वाइजर एंड स्टील बर्ड का ही है. चलिए इसको साइड में रखते हैं और आगे देख लेते हैं कि ये हेलमेट कैसा है. दिस इज द हेलमेट. ये बॉक्स मैं साइड में रख देता हूँ. एंड यस, दिस इज द हेलमेट. और ये ब्लैक मैट फिनिश के ऊपर है. ऑस्का इधर देखिए, बिल्ड लाइक अ टैंक. इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद इसका एरोडाइनामिक्स डिजाइन देखिए आप लोग, एक एलिगेंट डिजाइन है. यहाँ पर ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी तरह से दिया गया है. एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दो वेंट्स. हाँ,
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दो वेंट्स है इस जगह पे और इस जगह पे। यहाँ पर आपका स्टील बार्ड का ब्रांडिंग दिया गया है एंड ISI मार्क है, और ऊपर से सबसे बड़ा चीज है ये, मतलब इसका फिनिश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, नो डाउट इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। अभी देखिए, यस दिस इज इट। ये देखिए इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका वाइजर का क्वालिटी देखते हैं। यस अभी यहां पर दो वेंट्स, एयर वेंट्स और भी अलग से दिया जाता है। एंड मुझे एक बोलने में एक चीज आता, मतलब मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहता हूं, कोट करना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बजट पे एक बहुत ही खूबसूरत एंड एलिगेंट डिजाइन विथ एरोडायनामिक्स आपको हेलमेट मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर एक रेड कलर का स्विच है, बटन है, आप इसको प्रेस करके इसको ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट लुक्स। एंड उसके साथ ही अंदर में देखिए यहां पर क्विक लॉक है, आप इसको बहुत जल्दी से इसको खोल सकते हैं। यार आज बहुत गर्मी है, फैन ऑफ करके वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए उसके बाद आप इसके अंदर का फोमिंग देख लेते हैं, फोम कैसा है। फोम अच्छा है फ्रंट साइड पे, और थोड़ा कुशनिंग होता है तो अच्छा रहता है। साइड का कुशनिंग बहुत ही अच्छा है, स्ट्रैप का डिजाइन इज वेरी गुड, अंदर का कुशनिंग भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। एक्चुअली क्या है, स्टील बर्ड एक ब्रांडेड कंपनी है, आप आंख बंद करके इसका ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही हेवी एक्सीडेंट ये झेल नहीं पाएगा, पर माइनर एक्सीडेंट जैसा होता है या फॉल होता है, ये बहुत ही खूबसूरत वे से आपको हैंडल कर लेगा। सो दिस इज अ मैट ब्लैक। इसका अगर कुछ और कलर रहता है आपके गाड़ी के हिसाब से तो मैं चेक कर लूंगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख लीजिए। पर मुझे इसका वाइजर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे कुछ दूसरा हेलमेट के हिसाब से, रुकिए एक मिनट। यस सो ये है एक प्रीमियर बोल के एक कंपनी है, ये एकदम ही लोकल मेड कंपनी है। ये इसको देखिए, इसका इसका कंडीशन देखिए, इसका शेल देखिए, इसका शेल ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका शेल फ्लेक्सिबल है, पर एट द सेम टाइम ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज प्रिटी हार्ड। हाँ, इस जगह पे थोड़ा लैचेस है, उसके कारण है यहां पर आपका जो सेपरेशन है, जो लॉक है, उसके वजह से यहां पर थोड़ा सा लैचेस है, पर इट इज क्वाइट हार्ड मेटेरियल कंपेयर टू दिस वन। सो बहुत लेजेंड है जो ये पहन के राइड करता है। मैं कुछ कोट नहीं करना चाहता हूं, पर आई डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप ये हेलमेट बहुत ही इजीली आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 1500 के अंदर में आपको मिल जाएगा विथ एन एक्स्ट्रा वाइजर। सो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लिंक। और कुछ कूपन कोड रहेगा तो मैं जरूर दे दूंगा लिंक में। एंड यस ओवरऑल आई लाइक दिस हेलमेट, इट्स क्वाइट गुड। और यस एक चीज, हेलमेट का साइज। सो मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हेलमेट का कौन सा साइज कैसे लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ एक अलग सा वीडियो बना लूंगा उसके लिए। फिलहाल मैं ये लार्ज साइज लिया हूँ एंड ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाता है। Let me show you.
दिस इज व्हाट इट लुक्स एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस यू कैन इजिली ओपन दिस एंड क्लोज दिस. मुझे ये इसलिए बहुत ही पसंद है. कैसे लगेगा यार, ये पहले बार सेट होते में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. एंड यस दिस इज व्हाट इट लुक्स, दिस इज द साइड व्यू. यार साइड होता हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग देख पा रहे कि नहीं, पर आई होप आप लोग देख पा रहे. ये देखिए एंड फुल, दिस इज व्हाट इट लुक्स इन द फुल वे. And this is how you open it. जब open करना चाहते हैं इसको directly open करके इसको खींच दीजिए. And yes. Friends, overall मुझे ये helmet बहुत ही पसंद है. तो चलिए देखते हैं इसको ride में जाके इसका review कैसा होता है. तो मुझे basically ये अच्छा लगा. मैं बहुत मतलब market study करके इसको लिया हूँ. And इसीलिए मैं आपको भी recommend कर सकता हूँ कि आप ये product एक बार check कर सकते हैं. और एक चीज, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. यहां तक देखे तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है श्योर. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस प्रोडक्ट को अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, ताकि आपका करीबी दोस्त जिसको भी ये हेलमेट पसंद है वो खरीदने से पहले एक बार ये वीडियो चेकआउट कर ले तो उसका बहुत हेल्प होगा. दिस इज इंद्रास साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड डे. बाय बाय, टेक केयर.